क्या हाल है सबके? तो ना आज हम कोई ओमेगा वीडियो शूट कर रहा है, ना हम आज कोई ट्रेडिंग वीडियो शूट कर रहा है। सीन आज सब कुछ ऐसा है, आज तुम्हें हम थोड़ा सा टूर कराएंगे अपने ट्रेडिंग सेटअप का और गेमिंग सेटअप का, ठीक है? तो आज का सीन बस यही होने वाला है। और हाँ भाई, बाल पे और दाढ़ी पे मंजा रहा है यार, ठीक है? काफ़ी टाइम से मैं घर से बाहर नहीं निकला भाई, सही बता रहा हूँ, ठीक है? तो भाई करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, तो चलते हैं रूम के अंदर। तो खुल जा भाई सिम सिम। तो ये रिंग लाइट जल रही है क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था अपने यहाँ बैठा हुआ, मतलब गेम ही खेल रहा था, लेकिन मैं इसको जला के रखता हूँ भाई। अच्छी फील आती है, मस्त फील आती है, ठीक है? फिलहाल इस सबको मत देखो भाई, ये देखने की चीज़ नहीं है, ये है देखने की चीज़, इसको देखो, ठीक है? तो यही अपना ट्रेडिंग सेटअप है और इसी पर मैं गेमिंग भी करता हूँ, दोनों चीज़ करता हूँ भाई, मस्त चलती हैं, मस्त काम होता है। और मैं अपनी एडिटिंग वगैरह भी इसी पर करता हूँ, ठीक है? मोस्टली मेरा काम जो भी होता है वो इसी पर होता है सारा। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, जो भी इस डेस्क पे मौजूद है वो क्यों है, उसका वर्क क्या है। हमारे हेडफोन इसी पर टंगे रहते हैं, ठीक है? क्योंकि इनके लिए हमने कोई स्टैंड वगैरह नहीं लिया, लेकिन हम जल्दी स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल इनको उतार के यहाँ पे रखते हैं। और भाई रिंग लाइट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? और रूम की लाइट भी ओपन कर लेते हैं सारे। भाई रिंग लाइट को हमने कर लिया थोड़ा बड़ा, ठीक है? हाइट बढ़ा दी इसकी। अब तुम्हें यहाँ पे मौजूद एक एक चीज़ की जानकारी देते हैं कि वो उस डेस्क पे क्यों है और उसका वर्क क्या है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो भाई ये लाइट मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको ऐसी टांग दिया, तो फिर ये मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने इनको उतारा नहीं, लगा रहने दिया। और ये जो पिक्चर तुम लोग देख रहे हो, ये भी बस मैंने ऐसे ही लगा दी, मतलब मैं फ्लिपकार्ट ऊपर नीचे कर रहा था, तो मेरे को ये पसंद आई तो ये मैंने उठा ली। इसका नाम मैंने थोर रखा हुआ है भाई, इसका नाम है थोर, प्यार से मैं उसको बोलता हूँ थोर, ठीक है? अब भाई इसको जो कैबिनेट है ना, वो नॉर्मल है, इतना खास है नहीं, ठीक है? मतलब इतना अच्छा नहीं है, इतना नॉर्मल ही है, लेकिन भी अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है भाई? यही यहाँ से कुछ ऐसा है और भाई फ्रंट से कुछ ऐसा है, ठीक है? ये तीन फ़ैन है जिनमें 8 GB लाइट लगी हुई है, जो कि भाई तुम्हें दिख ही रहा होगा। और ऊपर से कुछ ऐसा है, इसको हम इस टाइप से हटा भी सकते हैं। फिलहाल इस पर बहुत धूल लगी हुई है, देख रहे हो ना, ठीक है? तो ये अपना PC है भाई, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है, कभी हमें परेशान नहीं करता, ठीक है? अब जाते हैं हमारी भाई मॉनिटर पे। हमारा मॉनिटर है, इसमें कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं, बस देख लो। अपना PC बिल्ड करवाया था तो मैंने दिल्ली से करवाया था, ठीक है? तो उस टाइम बस मैं मॉनिटर और PC और माउस और कीबोर्ड, बस यही था मेरे पास और कुछ नहीं था। हाँ रिंग लाइट भी थी भाई पहले से, और कुछ भी नहीं था। बाद में ये वेब कैम, ठीक है? और वो UPS और ये हेडफोन, ये सब मैंने यहाँ पैक के लिया है। भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि जब भी मैं अपने PC में बैठा हूँ, कोई काम वगैरह करता था ना, लाइक एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, या गेमिंग कर रहा हूँ, या चार्ट वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी काम करता था ना, तो लाइट भाई भाग जाती थी। अब ऐसा निश्चित तो नहीं होता था, मतलब कि PC बंद हो रहा है। जब मैंने ऊपर शिफ्ट किया ना भाई, एक दिक्कत आनी स्टार्ट हुई कि लाइट भागने के बाद ना PC बंद होता था अपने आप ही, फिर खुद से स्टार्ट हो जाता था। तो मतलब कुल मिला के इन्वर्टर ना टाइम लेता था भाई स्टार्ट होने में, तो इतने PC बंद हो जाता था। तो वही दिक्कत एक दो बार हुई, तो भाई उसके बाद हम लेके आए UPS, जो कि वो रखा हुआ है। ये है भाई अपना UPS, ठीक है, जैब्रोनिक का है। तो इससे पहले मैं एक UPS और लेके आया था, वो भी सेम ही था भाई, सेम कंपनी का था, जैब्रोनिक का। उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जब लाइट आती थी वो तब कट मारता था, भागने पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब लाइट आती थी वो कट मारता था। तो उसके बाद हम चेंज करके इसको लेके आए हैं, ठीक है? तो ये भी अच्छा वर्क कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नॉर्मल सा बोर्ड रखा हुआ है जिससे मैं अपनी रिंग लाइट वगैरह या फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है? और भाई मेरा PC वायरलेस सपोर्ट तो करता है, ठीक है, लेकिन भाई कभी कभी ऐसा होता है जो वाईफाई है ना वो नीचे लगी हुई है, तो कभी कभी नेटवर्क कट जाते हैं बीच में। तो भाई मैं गेम खेल रहा हूँ तो कनेक्ट नहीं हो पाता, लाइव स्ट्रीम भी एंड हो जाती है, या मतलब कुछ भी वर्क कर रहा हूँ तो भाई परेशानी होती है उसमें, मतलब इंटरनेट की वजह से। तो भाई उसके लिए मैंने क्या किया, तो उसके लिए केबल लगा दिया भाई, इंटरनेट स्पीड अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो ये परेशानी भी हमारे साथ हुई थी, बहुत गंदा सीन है भाई इसका भी, ठीक है? लाइव स्ट्रीम करते हुए ना अपने आप लाइव स्ट्रीम एंड हो जाती थी। भाई ये केबल पता है मैंने कैसे कैसे लगाया है भाई नीचे से, वो हमें पता है। मैं दिखाता हूँ भाई पूरा सीन, ये केबल कहाँ से आ रहा है, तुम लोगों को दिख ही रहा होगा आता हुआ। फिर भाई नीचे से जाके यहाँ पे जाके भाई यहाँ से फिर यहाँ से आ रहा है, ठीक है? वहाँ से निकालने में जो टाइम लगा है ना वो मैं बता नहीं सकता। तो भाई इस केबल का भी एक अलग ही स्टोरी है,
ठीक है। तो भाई फिर आते हैं अपने वेब कैम पे। तो भाई ये वेब कैम का सीन कुछ ऐसा है, एक बार मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ पहले इसको अच्छे से। ये रहा भाई, ठीक है। तो इस वेब कैम का सीन भाई कुछ ऐसा है कि मतलब जब मैं ये ओमेगल वीडियो शूट करता था ना, या कोई लाइव स्ट्रीम वगैरह करता था, गेमिंग करता था, तो भाई मेरे को अपना फ़ोन ऐड करना पड़ता था इससे, ठीक है। तो उसमें दिक्कत भाई ये होती थी, कभी कभी इसकी डाटा केबल पता नहीं हिलती थी या क्या होता था, फ़ोन ऑटोमेटिकली ना डिस्कनेक्ट हो जाता था। उसका भी सीन कुछ ऐसा है कि जब मैंने इसको लिया था ना, तो उससे पहले भाई मैं अपने फ़ोन से ही करता था सब कुछ, ठीक है, इस वाले फ़ोन से। तो सीन कुछ ऐसा था, मतलब नहीं डाटा केबल लूज़ थी या मतलब क्या दिक्कत थी भाई, फ़ोन अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता था बीच बीच में। मेरी लाइव स्ट्रीम अभी भी है पड़ी हुई चैनल पर, तो भैया अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता था अपने आप ही, ठीक है, कोई रीज़न नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता था। फिर उनको दोबारा कनेक्ट करना पड़ता था। तो वो सब झंझट से बचने के लिए भाई मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो इसका काफ़ भाई इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका वर्क भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक दिक्कत होती है साथ में मेरे कि भाई ये ना अपने आप मतलब फ्रीज़ हो जाता है, मतलब फ्रीज भी ऐसे होता है कि मतलब मैं सब कुछ बंद कर दूंगा फिर भी इसकी लाइट जलती रहेगी, लाइट जल रही है इसका मतलब कैमरा ऑन है, ठीक है, मतलब पता नहीं ग्लिच सा होता है, पता नहीं क्या ही होता है, फिर ये वर्क नहीं करता, फिर इसका डाटा केबल निकालनी पड़ती है, फिर से लगानी पड़ती है, तो जाके ये वर्क करता है। तो इसका सीन तो भाई कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लिया था, पर ये काम अच्छा करता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये हमारे वेबकैम का सीन है भाई पूरा। तो बाहर हवा चल रही है ना, तो वो बार बार हिल रहा है, देखो। मैंने बता दिया मॉनिटर का सारा सीन भाई, ये मेरा कीबोर्ड है, ये भी जैबरोनिक का ही है, माउस भी जैबरोनिक का ही है, ठीक है, और मेरा हेडफोन, हेडफोन में भी इतना कुछ खास है नहीं, हेडफोन भी जैबरोनिक का ही है, देख सकते हो यहाँ पे 8 GB लाइट है इसकी, ठीक है, ये अपने आप ही चेंज होती है, मैं इसको चेंज वगैरह नहीं कर सकता भाई। ये हमारा कीबोर्ड है, इसके अंदर भी 8 GB लाइट है जो ऐसे चेंज होती है, ठीक है, इसकी लाइट में चेंज नहीं कर सकता, शायद यहाँ से होती है। शायद यहीं से चेंज होती है भाई इसकी लाइट, पता नहीं क्या सीन है पूरा। तो भाई सब के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, पीसी के बारे में भी, वेबकैम के बारे में भी, कीबोर्ड के बारे में भी, माउस के बारे में भी, और भाई मॉनिटर के बारे में भी। तो भाई सारे काम ही इसी पे करता हूँ, ठीक है, लाइक गेमिंग, एडिटिंग, ट्रेडिंग, वेडिंग, मोस्टली मेरे काम जो होते हैं वो इसी पे होते हैं सारे। और भाई ये कभी मुझे परेशान नहीं करता, सबसे अच्छी बात है भाई इसकी, ठीक है। हाँ तो लोगों को मैंने रिंग लाइट के बारे में नहीं बताया ना, इसके बारे में बताता हूँ। हमारी रिंग लाइट देख सकते हो तुम लोग, ये मैंने 1 साल पहले ली थी, ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है भाई ये, कभी मेरे को परेशान नहीं करती ये भी, लेकिन एक बार ना ये मेरे से गिर गई थी, तो यहाँ से ना टूट गई थी भाई थोड़ी सी, देख सकते हो, ठीक है, और सब भाई ओके है। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इसके मोड चेंज होते हैं, और यहाँ से हम इसको इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास इसके लिए एक रिमोट भी है जो कि ये है, इससे भी ये काम करता है, ऑन तो है ही है, ऑफ करना है ना, क्या हो गया, हाँ चल रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे भी वर्क करता है। भाई मेरा मन अभी ये है कि मैं उसको और अपग्रेड करूँ, लाइक माइक वगैरह ले लूँ, ठीक है, ऑडियो क्वालिटी के लिए, ठीक है, थोड़ा कर्व्ड डिस्प्ले वाला मॉनिटर ले लूँ। तो भाई मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं अपना दिल्ली अपना पीसी बिल्ड करवाने गया हुआ था ना, तो मुझे घंटा नहीं पता था कि GTX 6 2025 में आ जाएगा, लेकिन हमारा पीसी उसको ईजिली चला सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क करेगा भाई GTX 6 हमारे पीसी में, और अच्छे से चल जाएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो बस अब करते हैं इसको यहीं पे एंड, और तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो भाई लाइक कर देना, यहाँ से कमेंट भी यहाँ से कर देना, और सब्सक्राइब भी यहाँ से कर लेना, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड।